जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका BPSC का ऑडिटर का जो है आंसर किया है, तो उसको हम सही आंसर की के साथ मैच करेंगे। जो पहले अपलोड किया गया था वो एक अनुमान था, और आज जो है आपका ऑफिशियल आंसर की आया हुआ है। हालांकि ये टोटली फाइनल आंसर की नहीं है, इसमें भी कुछ चेंज होगा, लेकिन 90% आपका आंसर जो होगा इसमें आपका सही रहेगा। चेंज होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ठीक अच्छा राइट आंसर दिया गया इस बार, ट्राई किया गया। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, मैच करते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो है आपका जो मेंस के लिए फ्री आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है, फ्री मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है, उसके ज्वाइन करने के लिए आपको 6200922032 पे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। तो टेलीग्राम पे अगर मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर आंसर राइटिंग चल रहा है। वहाँ पे याद रखिएगा लगभग 6000 स्टूडेंट जो है 6000 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं जो कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और आप भी जो है आप जल्दी से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एग्ज़ाम आंसर राइटिंग का ही खेल है, प्रीलिम्स आप पास हो जाएंगे जाहिर सी बात है, लेकिन अगर मेरिट में नाम आना है तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि 6200922032 पे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक दिया जाएगा वहाँ से। याद रखिएगा जो भी आंसर है GS1 GS2 का जो भी आंसर है उसका जो है आपका जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में जो बेस्ट आंसर रहेगा वो हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पे अपलोड किया जाता है, तो आप वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे 50-60 नोट्स पड़े हुए हैं, क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनके नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ताकि आपका मेंस एग्जाम में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूट के महत्व को व्यापक रूप से वर्णन किया था। तो राष्ट्रकूट के महत्व को किसने बताया था, सबसे यहाँ पे जो BPSC के द्वारा आंसर दिया गया है वो आपका अल मसूदी दिया गया है। ठीक है, मैंने सुलेमान बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका अल मसूदी दिया है। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूट के महत्व को व्यापक रूप से वर्णन किया है, तो अल मसूदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श के हम किसे कहते हैं, तो ये हम कहेंगे किसको, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहते हैं, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी, यानी हॉस्पिटल का निर्माण किया था, तो किसने किया था, ये किया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शफा नामक एक अस्पताल का निर्माण करवाया था, तो ये आपका आपका फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कह रहा है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा है कि चार नंबर का हो जाएगा आपका जौनपुर को, पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, और यहाँ पर आपका अटाला मस्जिद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 कह रहा है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए आली यानी जो है न्याय की घंटी लगवाई थी, तो ये लगवाया था किसने, तो आपका जहांगीर ने लगवाया था। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, और इनको क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, यानी भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कर रहा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये थे आपके मुनरो थे, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, इनमें से कौन से एक देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। तो देवबंद स्कूल से कौन नहीं जुड़े थे, तो आपका अल्ताफ हुसैन हाली नहीं जुड़े हुए थे। तो देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे अल्ताफ हुसैन हाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। तो ब्रह्म समाज ने किसकी निंदा नहीं की थी, तो आपका अवतारवाद की निंदा नहीं की थी। तो निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, तो आपका अवतारवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मेरा गलत होगा मैं बता दूंगा मेरा कौन कौन सा गलत हुआ है, तो आप खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा 1917 के चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित नहीं थे इसमें, तो आपको हो जाएगा गौरी शंकर मिश्रा जो है ये संबंधित नहीं थे। तो इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं थे, तो आपका गौरी शंकर मिश्र थे। ये जो है अवध किसान सभा मूवमेंट से जुड़े हुए थे, किससे, किसान सभा मूवमेंट से जुड़े थे, और जो कि कहाँ पर हुआ था, अवध में हुआ था, अवध और यूपी में हुआ था, तो उससे जुड़े हुए थे, यूपी किसान सभा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर आपका कह रहा है,
इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी नहीं दिया गया था? तो आपका मुजफ्फरपुर बम केस में जो फांसी दिया गया था आपको किसे, खुदीराम बोस को दिया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और जो आपके प्रफुल्ल चाकी है ये जो है आपका, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, खुद से गोली मार ली थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो आपका उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे उदयन, हो जाएंगे हर्यंक वंश के, ठीक है। नेक्स्ट है, सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध पे कौन राज कर रहा था? तो आपका धनानंद राज कर रहे थे। कौन? धनानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो मनेरी जो थे, याहिया मनेरी जो थे, किस सिलसिले से जुड़े हुए थे? तो आपका फिरदौसी सिलसिले से जुड़े हुए थे। किससे? तो आपका फिरदौसी सिलसिले से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, दरभंगा राज क्षेत्र के किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो ये हो जाएंगे आपके स्वामी विद्यानंद, हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र कर लिया था कहाँ पे? तो आपका मुंगेर में कर लिया था। कहाँ पे? मुंगेर में किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष बख्श आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बख्श आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1936 में हुआ था। ऐसे तो 1937-38 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये क्या कर लिए थे, ये आपका ये पहले ऑप्शन जो है 36 के आसपास ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1936 यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर कराए, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो त्रिरत्न में जो अपना विश्वास प्रकट किया है कहाँ पे किया है? तो ये जो इसका जो किए हैं आपका त्रिरत्न का किए हैं आपका, जैसे कि मैंने बताया था आपका भाबरू शिलालेख में किए थे। किसमें? तो भाबरू शिलालेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 कह रहा है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय का जो रचनाकार किया है आपका वाग्भट की है। कौन किए? वाग्भट। नेक्स्ट है 20 नंबर, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो परम भागवत किसे कहा गया? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा गया है। परम भागवत किसे कहा गया? तो ये तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सी जो दे रखा है यहाँ पर गलत दे रखा है। यहाँ पर समुद्रगुप्त को परम भागवत कहाँ उपाधि लिया है? आई थिंक मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी के अनुसार यहाँ पे गया है, ऑप्शन बी का दे रखा है, सी नंबर दे रखा है, यानी नालंदा ताम्रलेख के किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है बीपीएससी के अनुसार ऑप्शन सी दे रखा है। देखिए अगर फाइनल आंसर की में जो चेंज होगा ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप मान के रखिए कि आपका ऑप्शन सी ही मान के रखिए, क्योंकि आप बीपीएससी देने वाले हैं तो बीपीएससी के ही आंसर की से आप चलेंगे, ना कि आपको अपना देखिएगा, ठीक है। अगर फाइनल आंसर की में चेंज होता है कोई भी आंसर तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा आंसर चेंज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 देखते हैं हम लोग। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा जोड़ता है आपका काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका काबुल और इस्लामाबाद, मैंने बताया था, ठीक है। तो खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काबुल इस्लामाबाद इसलिए होता है क्योंकि दोनों आपको इस्लामाबाद स्टेट है, जो मतलब एक तरह का स्टेट है वहाँ पे जो आता है, यानी ऐसे तो पेशावर को जोड़ता है लेकिन रास्ते में इस्लामाबाद आ जाता है। तो ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य को जोड़े में कौन सा सही जोड़ा नहीं है? कौन सा इनमें से सही जोड़ा नहीं है? तो आपका जो है दंड कन्या जो है 36 प्रदेश में आता है, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायनाड केरल में हो जाएगा, मलनाड कर्नाटक हो जाएगा, विदर्भ जो हो जाएगा महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, हाल ही में खोला गया अटल टनल यानी रोहतांग सुरंग जोड़ता है। तो रोहतांग सुरंग किसको जोड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका मनाली लेह को, लेह मनाली को जोड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंहाद्री विशाखापट्टनम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको भादला जोधपुर बताया था, ये गलत हो गया। तो मैंने सर्च किया था तो यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित कौन सा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा है? तो आपका सिंहाद्री जो है आपका विशाखापट्टनम, यह आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में आया हुआ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊते हैं उसके किस समुद्री किनारे पर गिरा था? तो ये आपका सौराष्ट्र में गिरा था, यहाँ पे तो आपका सौराष्ट्र में आया था। नेक्स्ट है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा था? सही नहीं कौन सा है? तो आपका लोनार जो है मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में आता है, अष्टाईमुड़ी केरल में आता है, थोल गुजरात में, असुर सरोवर उत्तर प्रदेश इसी में आता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे कम जो आप याद दे रखा है ताप्ती को दे रखा है, ठीक है, तो सबसे कम किसका पर ताप्ती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य हो गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? द्रोणी प्रदेश के भाग है कितने, आपका 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है, तो आपका 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाले राज्य कौन से हो जाएगा? तो सबसे अधिक जो हो जाएगा आपका कौन सा, गुजरात हो जाएगा। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य आपका गुजरात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, निम्नलिखित जनपदों समूह में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो सबसे तीव्रता वाला क्षेत्र आपका सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया हो जाएगा। सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 करा है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग आपका भागलपुर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही आता है, एक आता है भागलपुर एक आता है बांका, यही दो आता है इसलिए एक सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो नकटी जो आपका यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, बाकी बरेला हो जाएगा, कांवर हो जाएगा, कुशेश्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो आपका नकटी नहीं है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। तो बाकी बरेला है, कांवर है, कुशेश्वर है। बरेला कहाँ पर? आपका वैशाली में हो जाएगा। ये गलत हो गया था हमारा, हमने बरेला बताया था, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं था, दिया हुआ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो खनिज समृद्ध कौन सा हमारा, तो भागलपुर मुंगेर लखीसराय जमुई है। भागलपुर मुंगेर लखीसराय जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हो जाएगा? सिर्फ इसके वजह से हो जाएगा, जो मुंगेर दे रखा है सिर्फ उसके वजह से ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, क्योंकि मुंगेर में आपका बहुत ज़्यादा खनिज है, तो इसमें मुंगेर नहीं है, इसमें मुंगेर नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए पे चल जाएंगे। ऐसे आपका आपको जो अनुमान होता है तुक्का लगाना चाहिए कि कहाँ पे है ही, यहाँ पे ये श्योर है कि ये मुंगेर में तो है ही, तो यहाँ पे बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है मुंगेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आपका यहाँ पे छोड़ दिया गया है, यहाँ पे 34 से छोड़ दिया गया है, तो मैं 34 का बता देता हूँ। 34 का जो आंसर आपका, 34 का आंसर सी है, 34 का। 35 का आंसर बी दे रखा है, 36 का आंसर सी दे रखा है, 36 का। और 37 का देख लेता हूँ, तो 37 का जो दे रखा है आपका, 37 का ए दे रखा है, 38 का बी दे रखा है, 39 का हमारा डी दे रखा है, और 40 का हमारा क्या देखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए हमारा कौन सा है आपका, फिर से मैं बता दूं कि 40 का हमारा क्या देगा, 40 का ए दे रखा है, 39 का डी दे रखा है, 38 का 5 दे रखा है, 37 का ए, 36 का सी, 35 का बी, और 34 का आपका सी दे रखा है। तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा, इसमें नहीं है आपका, क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 करा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो अधिनिर्णय के सिद्धांत को कहाँ पे अपनाया था, तो यानी कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गोलकनाथ पंजाब और बनाम पंजाब राज्य होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है 42 यहाँ पे हो जाएगा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जब एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था तो कौन सा संविधान विधेयक था? तो 42 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका संविधान संशोधन 2019 का हो जाएगा, 126वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे दे रखा है, कौन सा इनमें से आर्टिकल 39 में नहीं आता है? तो कौन सा इनमें से नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका लोगों के पोषण के स्तर का है, ये आपका आर्टिकल 47 में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 11वीं अनुसूची यानी 243 में जी में कितने आते हैं सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट जो है आपका 29 सब्जेक्ट आते हैं, कितने आते हैं 29 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नहीं हो, मनोनीत हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 कह रहा है कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारी जो है ये किसने लिखा है? तो 46 का हो जाएगा हमारा नरेंद्र झा ने लिखा है, कौन से लिखा है, नरेंद्र झा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका जो होगा पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक की वापसी हो जाएगा, यानी वित्तीय विधेयक को वो वापस नहीं कर सकते, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, वित्तीय विधेयक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो ये आता है किसके, तो ये हो जाएगा आपका 48 नंबर का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के अंदर आता है, कौन सा, लोकसभा अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 है, ये सेट जो है ऑप्शन डी सेट है, सेट नंबर डी है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दल का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है, तो ये जो है अनुसार आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो जाएगा, यानी रूपा एक्ट 1951 का, यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 50 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 1992 में, 1990 के आसपास होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पर नहीं था, तो सोयाबीन उत्पादन में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर नहीं था, तो आपका छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या के एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो सबसे कौन सी विशेषता है, तो आपका किशोर जनसंख्या का आकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो आपका किशोर जनसंख्या का आकार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है, तो आपका कृषि लागत एंड मूल आयोग हो जाएगा, CACP हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 का रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा गया, तो आपका पावर फिनांस कॉरपोरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर फिनांस कॉरपोरेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ कहा गया था, तो आपका पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है आपका ये क्या कहता है, ये भी आंसर आपका सही हुआ था, मैंने पिछले सेट से जब आंसर किया था तब मैं बताया था। नेक्स्ट है ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है वो किस पे किया जाता है, तो ये जगह आपका प्रत्यक्ष धान बीजारोपण पे किया जाता है, ठीक है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 कह रहा है जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है, ब्याज दर में कमी होता है, ठीक हो जाएगा ब्याज दर में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट है 257 नंबर क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी अधिक जनसंख्या वाला जिला है इन सब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब इसका मतलब कि आप सभी जिला का पॉपुलेशन याद करिएगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है सभी जिला का पॉपुलेशन याद करने का जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही दे दिया गया, रैंडमली उठा के दे दिया गया था, जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है सारे जिला का पॉपुलेशन याद रखना है, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इसके लिए आप पूरा जिला का पॉपुलेशन याद करने मत बैठिएगा, नहीं तो आपका पूरा तैयारी धरा रह जाएगा। 58 नंबर है आपका भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है महुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार आपका रोहतास हो जाएगा, 59 का रोहतास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे नम दे रखा है, कौन सा है आपका, एक से अधिक हो जाएगा आपका, निर्माण हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है दूध भी हो जाएगा, चीनी भी हो जाएगा, सारे का सारे बहुत तेजी से विकास कर रहा है, ठीक है तो सारे में आपका तेजी से विकास कर रहा है, 60 का हो जाएगा। 61 है आपका किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है, तो 61 का आपका ये भी आपका ऑप्शन में मैंने बताया था कि आलू प्याज बैंगन और फूलगोभी सब में दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे में कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 का रहा है इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सरकारी बैंकों के लाइसेंस देने हेतु उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए लिए थे, तो 62 का हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पे 62 का आंसर जो होगा 62 का आपका यहाँ पे आपका सी आंसर दे रखा है, तो मालेगा कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालेगांव कमेटी है, तो कौन सा, तो ये भी मैंने आपका सही सही बताया था उसमें कि मालेगांव कमेटी था, किसके लिए था आपका सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए था, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 कह रहा है समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सी विनियम नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी नियमों के संदर्भ में प्रकाशित करता है, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ये भी हो जाएगा आपका RBI हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 नंबर हो जाएगा
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो भारत में गारंटी कौन प्रदान करता है? तो आपका निर्यात गारंटी ऋण गारंटी कॉरपोरेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो आपका निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो आपका निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 करा है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्य खरीद वितरण और खाद्य उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो आपका FCI हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। 1965 का एक्ट है 1965। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कहा जा रहा है, तो यह 66 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत हैं? तो सत्याग्रह के जो प्रमुख सिद्धांत कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, 123 सत्यवादी, अहिंसा और निडरता हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो ये जो हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा 1919 का, रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं है? तो कौन संस्थापक नहीं है? तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 करा है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये जो परिणाम था आपका यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का था, मालाबार में मोपला विद्रोह था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो ये सम्मिलित हुआ था आपके गणेश वासुदेव जोशी हो जाएंगे, गणेश वासुदेव जोशी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, स्वदेश बंधव समिति का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएंगे आपके अश्वनी कुमार दत्त हो जाएंगे, स्वदेश बंधव समिति के संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो ये हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण सिंह, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक थे श्री कृष्ण सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महिला गांधी महात्मा गांधी सॉरी हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदेशों के प्रसार हेतु 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मदरलैंड जो है किसने स्टार्ट किया था? मजरूल हक ने किया था। किसने? मजरूल हक, याद रखिएगा, एम फॉर मदरलैंड, एम फॉर मजरूल हक, कहाँ से? सदाकत आश्रम से। नेक्स्ट है 74 नंबर कह रहा है, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो आपका आपके महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है 1937 में जो प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपके मोहम्मद यूनुस बनाया गया था। 1937 के प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो आपके मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो ये था आपका हुंकार था। कौन सा हो जाएगा आपका? हुंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुंकार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 करा है, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया? तय हो गया आपका नरमपंथी का, मॉडरेट्स का हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कहते हैं आपके सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने किया था, ना कि मोहम्मद इकबाल ने। तो फिर से देखिए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव को पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, चटगांव शस्त्राकार हमले में किसने संगठित किया था? तो ये जो किए थे आपके सूर्य सेन किए थे। कौन किया था? सूर्य सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्राकार हमला किसने संगठित किया था? तो सूर्य सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 का दे रखा है, 81 का देखिए मैथ्स क्वेश्चन आ गया, तो मैथ्स के क्वेश्चन को मैं बता दूं कि क्या क्या आंसर है। तो मैथ्स के क्वेश्चन में इसका जो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है 82 का हमारा, 82 का जो हमने बताया था आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। 83 का, 83 का आ रहा है आपका, 83 का आपका ई हो जाएगा, यही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 83। नेक्स्ट है 84 नंबर हो जाएगा, 84 का आपका आ रहा है, 84 नंबर जो मैथ है, 84 का आपका सी आ जा रहा है, 90 आंसर आ रहा है, सी 90। 85 जो आ रहा है, 85 का 7 लीटर हो जाएगा, कितना? सी हो जाएगा 7 लीटर। 85 का कितना हो जाएगा? 7 लीटर हो जाएगा, 85 सी हो जाएगा 7 लीटर। फिर है 86 में जो आ रहा है हमारा, 86 का डी आ रहा है, तो 20 आ जाएगा। 87 जो आएगा, 87 का आएगा हमारा ये आएगा 70 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 88 में देखते हैं, 88 का
88 में बी आ रहा है हमारा, 3400 और 2200 हो जाएगा, करेक्ट था। 89 है, 89 में हमारा आ रहा है सी हो जाएगा, 80.5 केजी आ जाएगा। और लास्ट है 90, आपका 90 में क्या आएगा, आपका डी हो जाएगा, 135 हो जाएगा। सिंपल था, मैथ इजी था, मैंने एक ही क्वेश्चन नहीं बताया था आपको, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखते हैं, 90 का हो गया, 91 से देख लेते हैं कि 91 में कहाँ पे आ रहा है, तो ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकंड दोलक को, एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा, 91, एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलक घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर की ओर समान वेग गति से बढ़ता है, बढ़ेगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऊपर की ओर समान वेग गति से बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 92 का हो जाएगा आपका, एक फेमटोमीटर आपका 10^-15 होता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर, लाइट ईयर निम्नलिखित में तो किसके का ही है, तो लाइट ईयर आपको दूरी की का ही है, 93 का ये हो जाएगा, लाइट ईयर किसकी का ही है, तो दूरी हो जाएगा। 94 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो 94 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नोवलजीन हो जाएगा, दर्दनाशक कौन सा है, नोवलजीन हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 है, साबुन में आमतौर पर विथिनॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका, ये रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है, किसके लिए, रोगाणुरोधक के रूप में। 96 हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ, कोल्ड कंडीशनर में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपका एस्पार्टेम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 है, मनुष्य में यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस के उत्तेजक करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पैदा होता है, तो आपका एड्रेनलिन होता है, टेंशन में कौन सा होता है, एड्रेनलिन निकलता है। नेक्स्ट है 98, जो कि सारे बीपीएससी स्टूडेंट को अभी एड्रेनलिन निकल रहा होगा, तो सारे लोग तनाव ग्रस्त है, जिसका बीपीएससी एग्जाम, जो ऑडिटर का एग्जाम दे रखा है वो भी, जिसका 67 है वो भी, सारे तनाव में होंगे, ठीक है। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीव को या तो मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा इनमें सत्य नहीं है, तो बी हो जाएगा, बोरिक एसिड वाला आपका सत्य नहीं है, बोरिक एसिड वाला आपका सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, तो 99 का हो जाएगा आपका विटामिन का आपका उत्पादन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। 100 जगह ड्रग क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में कौन सी है, तो 100 का हो जाएगा बड़ा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी क्या है आपका, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है, तो सम्मोहक ड्रग आपका कौन सा है, ल्यूमिनॉल है, सम्मोहक ड्रग कौन सा आपका, ल्यूमिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से इंटरफेरोन संबंधी किससे है, तो इंटरफेरोन का संबंध हो जाएगा आपका वायरस हो जाएगा। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो प्रोटीन की सूचना देने वाला है आपका जीन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो जीन देता है। नेक्स्ट है मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये फालतू का क्वेश्चन था जो कि दे दिया गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ZW इसका हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये XX वेमेन का हो जाएगा, XY जो है आपका मेल का हो जाएगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं, बाकी को आप इसमें आपका कन्फ्यूज होंगे, या तो एक्स हो जाएगा या ZW हो जाएगा, तो आप यहाँ से आपका तुक्का खेल सकते थे। नेक्स्ट है नई नस्लों के प्रादुर्भाव का कारक क्या है, तो ये जो कारक है आपका कौन सा हो जाएगा, आपका प्रतिद्वंदिता और परिवर्तन, ये तो देखिए ऑप्शन, चलिए अब दे दिया तो दे दिया, उसी को मान के चलेंगे। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है, प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग जो होता है आपका नीला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला होता है। 108 इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 109 नंबर देखिए, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बीज जो होता है इनमें से सभी होता है आपका, भंडारित भोजन होता है, पिंड गर्भ होता है, बीजावरण होता है, सारे के सारे हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर, फल निम्नलिखित में से क्या है, तो फल क्या है ये आपका 110 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अंडाशय का उत्पाद हो जाएगा, फल जो है अंडाशय का उत्पाद होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा आपका, फंगस किस प्रकार का जीव है, तो फंगस जो है आपका ये मृतजीवी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, तो ये आपका यीस्ट होता है। कौन सा होगा? आपका यीस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषक का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है आपका 13 हो जाएगा, आपका यहाँ पे 113 का बी दे रखा है, पत्तियों पर पाया जाता है, जो कि मैंने बताया था। वायु प्रदूषक का प्रभाव जो है प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो आपका पत्तियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, सितार के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होता है? तो 114 का हो जाएगा आपका, किसके कारण होता है? थोड़ा सा मैं देख लूँ कि किसके कारण से होता है। 114 का सी हो जाएगा, यहाँ पे सी दे रखा है। कौन सा? वातावरणीय आवर्तन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 115 हो जाएगा हमारा, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो 115 हो जाएगा आपका बढ़ता है, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। 116 हो जाएगा, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए मापते हैं? तो ये होता है ऊष्मा विकिरण में मापते हैं, ऊष्मा विकिरण हो जाएगा। 117 हो जाएगा, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो इस शाखा का नाम हो जाएगा आपका प्लाज्मा भौतिकी, कहते हैं इसको प्लाज्मा भौतिकी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं। टफ क्वेश्चन था, रियली टफ क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका 118 का, जब मैंने बता दिया था कि आपका 118 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओम। कैसे होगा? देखिए आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 6/2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 ओम आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो किसके वजह से होता है? तो आपका समुद्र की विभिन्न सतहों के तापांतर के कारण हो जाएगा, ठीक है, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, किसी उपग्रह के लिए प्लाइंग वेग जो है, प्लाइंग वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, उपग्रह को 60 डिग्री पे प्रक्षेपित करते हैं, तो वो कितना होगा? तो आपका जो होगा वही होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है प्लाइंग वेग। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो होगा आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो 121 का जो आंसर होगा आपका ब्रुसेल बेल्जियम में हो जाएगा। कहाँ पे? ब्रुसेल बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल बेल्जियम। 132 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका रुचिका कंबोज को चुना गया है। किसे चुना गया है? रुचिका कंबोज को चुना गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 123 नंबर हो जाएगा, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 123 का ई हो जाएगा। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कौन हो जाएगा? राजनाथ सिंह, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 124 नंबर है यहाँ पे, हाँ 124 हो गया, 125 हो जाए, 125। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था, कब जारी किए थे? तो ये जारी किए आपके 17 मार्च 2022 को किए थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो ये है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 127, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ से किया गया था? तो ये हो गया आपका इंदौर से किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर। कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था। 128, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाले? तो नए विदेश सचिव कौन बन गए? तो आपके विनय मोहन क्वात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कहाँ पे? तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 130 का सी हो जाएगा, अहमदाबाद मुंबई के बीच में हो जाएगा, अहमदाबाद मुंबई। पहला स्टेशन बना था सूरत में। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। कहाँ पे किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। 132 नंबर देख लेते हैं, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा हो गया? तो आपका केरल के हाईकोर्ट हो गया, केरला हाईकोर्ट। 133 नंबर, मिशन वात्सल्य किस के अंतर्गत आता है? तो मिशन वात्सल्य जो है आपका महिला बाल और बाल विकास के अंतर आता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि दी गई है? तो 18 वर्ष की आयु होने तक, तो ये है आपका कितना, तो 134 का यहाँ पे ऑप्शन है आपका, यहाँ पे 1500 दे रखा है, ये किस हाल से बता रहा है भाई, नहीं आपका सॉरी यहाँ पे 1000 है, 134 का आपका नहीं, 134 का डी दे रखा है, 1500 दे रखा है, आई थिंक 1000 होना चाहिए, ठीक है, तो ठीक है आप देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार फिर से फैक्ट मैं चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे ये तो नहीं, 1500 तो नहीं, चलिए टुकड़ा बता दें 1500 इसका मान के चलिए अभी फिलहाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, यहाँ पे आंसर किया गया तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर फाइनल आंसर किया था तो वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा आंसर चेंज किया है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप अभी फिलहाल के लिए 1500 मान के चलिएगा, ठीक है। 1500 जो आयोग कर रहा है वही मान के चलिए। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली से प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो 135 को डी, बिहार को मिला है। किसे मिला है? बिहार को मिला है। नेक्स्ट है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अनुसार बिहार के गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो गरीब आबादी का प्रतिशत है आपका 51.91% है। 51.91%। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से खेल में जीते हैं? तो ये जीते हैं आपका पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये जी थी आपकी जल जीवन हरियाली हो जाएगा। बिहार दिवस 2022 की थीम थी जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है, 139 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वह कौन सा था? तो 139 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, पीएम गति शक्ति योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना। 140 देखिए, 140 का हो जाएगा, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार में कितने प्रतिभाएं विजेता रही हैं? तो ये बिहार से जीती हैं आपके 5 विजेता हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से आचार्य चंदानी को पुरस्कार किया गया, आचार्य चंदानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको धीरज को किया गया, किसे? धीरज को। 143 हो जाएगा, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका पटना में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? आपका पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 144 देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जापान के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके यहाँ पे शिंजो आबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। ठीक है, एक बार मैं मिला देता हूँ आपका शिंजो आबे इसका करेक्ट आंसर है या नहीं। 150 नंबर का देख लेता हूँ, शिंजो आबे, आई थिंक शिंजो आबे इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। 144 का बी हो जाएगा, शिंजो आबे दे रखा है, शिंजो आबे। नेक्स्ट है 145 नंबर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन बेका पर हस्ताक्षर किया है, कब किया है? सॉरी कब नहीं है, 145 का हो जाएगा आपका सी, यानी भूस्थानिक सहयोग के लिए क्या है, भूस्थानिक सहयोग के लिए क्या है। 67 में पूछ देगा कब किया था, अपडेट याद रख लीजिएगा। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया है, तो यहाँ पे किस पार्टी से थे? तो आपका कंजर्वेटिव पार्टी से थे। कौन से पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो ये जो किया गया था आपका 6 दिसंबर 2021 को किया गया था, 6 दिसंबर 2021। नेक्स्ट है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? तो ये जो हो जाएगा 148 का, ये डेनमार्क ने किया था। पहला स्वीडन ने किया था, दूसरा डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत यूएई व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देश के बीच हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 18 फरवरी 2022 को हुआ था, 18 फरवरी 2022। और लास्ट है हमारा 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो G7 जो आपका जर्मनी में होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को था आप, और जो आपका करंट अफेयर आया है मोस्टली आपका मई तक आया है, मई, यानी अगर 67 BPSC होता है तो आपका समझ आई कि यहाँ यहीं तक आपका आपका करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, मतलब आपको भी एक या दो महीना पहले तक करना पड़ेगा, यानी अगर आपका नवंबर में एग्जाम होता है, जब भी एग्जाम होगा आपको 2 महीना पहले वाला करंट अफेयर देखना होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।